नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शुक्ला। स्वागत है आपका आज के बुलेटिन में। पेट्रोल डीजल के दामों में राहत की उम्मीद कर रहे लोगों को बुधवार को फिर ठगा सा महसूस हुआ है। लोगों को सरकार से बढ़ते दामों में राहत की उम्मीद थी, लेकिन तेल कंपनियों ने लोगों के साथ मजाक करते हुए पहले 60 पैसे कम करने की घोषणा की और फिर भूल सुधार करते हुए उसे 1 पैसा कम किया है। 16 दिन में जहां पेट्रोल में 3.80 रुपए व डीजल में 3.38 रुपए बढ़े थे, वहीं दोनों के दामों में 46 दिन बाद कम किए हैं। केरल राज्य में पेट्रोल 1 रुपए सस्ता किया है। वहीं पेट्रोलियम मंत्री बोले हैं कि बाकी राज्य भी केरल का अनुसरण करें। प्रदेश में किसान आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं मध्य प्रदेश के मुखिया खुद मंदसौर में किसानों के बीच पहुंचे और मार्मिक अपील करते हुए संबोधित किया कि मेरे शांति के टापू को बचा लो भाइयों, कांग्रेस खून खराबा फैलाना चाहती है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम के इस कटाक्ष पर कहा है कि शिवराज सरकार बताए कि गोलीकांड की जांच के लिए बने जेन आयोग का कार्यकाल 11 मई को ही समाप्त हो गया था, तो 20 दिन बाद जांच की रिपोर्ट क्यों नहीं आई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने रात्रि विश्राम मंदसौर में किया और प्रशासन की तैयारी को देखा। सुबह वो शिवना शुद्धिकरण अभियान के तहत श्रमदान भी करने गए। किसान आंदोलन के मद्देनजर बंद की आशंका में 10 दिन की सब्जी खरीदने पहुंचे लोग इंदौर मंडी में। लोगों की भीड़ के कारण यातायात अव्यवस्थित हो गया। आम दिनों की अपेक्षा सब्जियों के दाम भी दुगने हुए हैं। वहीं मंडियों में लहसुन प्याज की बम्पर आवक होने से ट्रकों के कतार के कारण भी जाम की स्थिति निर्मित हुई। इस बार भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि देश में 100% बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बुधवार को जारी दूसरे आखिरी अनुमान के मुताबिक देश सहित पूरे मध्य प्रदेश में बारिश की अच्छी संभावना है। वहीं केरल में मानसून 29 जून को पहुंचकर आगे के राज्यों की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय एम्बा अस्पताल में तैयार हो रहे सुपर स्पेशलिटी सेंटर के डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। यदि करेंगे तो वे सुपर स्पेशलिटी की सेवाएं नहीं दे सकते हैं। यहाँ के डॉक्टरों का प्रारंभिक वेतन ही 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह होगा और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस 4 गुना तक होगा। बैंकों की हड़ताल से 600 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित हुआ है। वहीं एटीएम में पैसा नहीं होने से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इंदौर शहर की 485 बैंक शाखाओं में से 412 शाखाएं बंद रही हैं। विभिन्न बैंकों के 42 कर्मचारी हुए बंद में शामिल। आपको बता दें कि बैंक कर्मियों की हड़ताल उनके वेतन में सिर्फ 2% की वृद्धि से नाराजगी को लेकर की गई है। गर्मी से बुधवार को कुछ राहत मिली, लेकिन उमस ने लोगों को पसीना पसीना कर दिया है। नमी 66% तक पहुंच गई है। वहीं बुधवार को अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को बादल छाने से और उमस और बढ़ सकती है। बसों में यात्रा का सफर गुरुवार से महंगा हो जाएगा। सरकार ने किराया 9% बढ़ाते हुए गुरुवार से किराया 1 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से हो तय किया है। बुधवार को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वहीं प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने बताया है कि बस संचालकों ने किराए में 40% वृद्धि का मांग की थी। इसके बदले में शासन ने 10% किराए को बढ़ाने की घोषणा की थी और नोटिफिकेशन में 9% का किराया बढ़ाया गया है। नर्मदा नगर में शिफ्ट वी शराब दुकान को लेकर अब रानी बाग इलाके के रहवासी सड़कों पर उतरे हैं। बुधवार शाम को रानी बाग इलाके के करीब 100 से ज्यादा महिलाएं गुलाब के फूल लेकर शराब दुकान पहुंची और वहां पर ठेकेदार और उसकी सुरक्षा में खड़े आबकारी अधिकारियों को फूल देकर दुकान हटाने का अनुरोध किया है। वहीं ठेकेदार ने भी उन्हें आश्वासन दिया है। लगातार 43 से 45 डिग्री के बीच तापमान होने से बुधवार को देवास के खाते गांव के पास पाड़िया देह रोड में सटे जंगल क्षेत्र में खेतों में पानी की कमी के कारण 8 हिरणों की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद विशेषज्ञ डॉक्टर ने इसकी पुष्टि की है। मृत हिरणों में 4 मादा व 1 बच्चा शामिल है। राम मंदिर हमारा मुद्दा नहीं है, वह हमारी प्राथमिकता है। मंदिर बनवाने के लिए हम इस देश के शीर्ष न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। यदि आदेश मंदिर के पक्ष में नहीं आता है तो हम केंद्र सरकार से बात कर अध्यादेश लाने की मांग रखेंगे। यह बात विश्व हिंदू परिषद के नए अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु सदाशिव कोकजे ने कही है। कर्नाटक के दक्षिण और उत्तर क्षेत्र के जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई है। मई माह में जितनी बारिश होती है उससे दुगनी बारिश 6 घंटे में होने से बाढ़ के हालात निर्मित हो गए हैं।
एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश के 6 राष्ट्रीय दलों को 2016-17 में 590 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला है। अकेले भाजपा को 532 करोड़ रुपए मिले हैं। यह रकम कांग्रेस समेत 5 दलों के कुल डोनेशन का 9 गुना है। वहीं बहुजन समाज पार्टी को लगातार 12वें साल भी यही दावा कर रही है कि उसे 20,000 रुपए से ज्यादा का कोई डोनेशन उसको नहीं मिला है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय दलों की कुल आय का 45% हिस्सा अज्ञात सोर्स से आता है। सीबीआई ने दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन के घर छापा मारा है। 12 घंटे की सतत कार्रवाई के बाद रात 8:30 बजे सीबीआई टीम उनके घर से निकली है। छापेमारी पर तिलक तेवर दिखाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पूछा है, आखिर प्रधानमंत्री चाहते क्या है। सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर 5 जून तक रोक लगा दी है। चिदम्बरम के खिलाफ एयरसेल मैक्सिम डील के मामले में को लेकर वारंट जारी हुआ था, जिसको लेकर चिदम्बरम ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। सीबीएसई की कक्षा 2 तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि कक्षा 2 तक के बच्चों को होमवर्क ना दें और 3 क्लास तक के बच्चों को भी सिर्फ 3 विषय पढ़ाएं। हाईकोर्ट के इस निर्देश पर देश के करीब 18,000 स्कूलों को अमल करना होगा। देश की सबसे बड़े विमान कंपनी इंडिगो ने विमान ईंधन की बढ़ती कीमतों के बोझ को कम करने के लिए घरेलू मार्गों पर 400 रुपए प्रति यात्री तक का ईंधन सरचार्ज लगाने की घोषणा की है। कंपनी के इस कदम से किराए में वृद्धि होगी। इंडिगो पहली ऐसी कंपनी है जिसने विमान ईंधन की बड़ी कीमतों का बोझ यात्रियों पर डालने की घोषणा की है।